अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। 5 जून 2020, हिंदुस्तान में इस वक्त जो है 7 रियासतों में जो है आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, और 6 जुलाई 1984 को जो है सिखों पर जुल्म किया गया और उनके जो दरबार साहब पर जो है उन पर जो एक ऑपरेशन किया गया, उस वक्त की हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के टाइम में, तो उस ऑपरेशन में जो है सैकड़ों सिखों को जो है मार दिया गया, हलाक किया गया। उसके रिएक्शन में जो है फिर सिखों ने कार्रवाई करके जो है जो उनके गार्ड थे इंदिरा व गांधी के, उन्होंने जो है फिर इंदिरा गांधी को जो है कत्ल किया था। जब उनके गार्ड जो सिख थे उन्होंने जब उनको कत्ल किया इंदिरा गांधी को, तो उसके बाद हिंदुस्तान ने जो है पंजाब के अंदर जो है एक ऑपरेशन वह शुरू किया, और सिखों की जो है उस वक्त जो भी वो तहरीक थी वो खालिस्तान के हवाले से, उनको जो है ताकत के बलबूते पर जो है उनको कुचला गया। तो अब जो है ये तहरीक खालिस्तान अब उठने जा रही है, और 6 जून 1984 की याद में जो है अब जो है हिंदुस्तानी वो पंजाब में जो है आज भी वहाँ पर जो है मुजाहरे हुए 3 शहरों में, और आवाम की उसमें जो शिरकत थी उस शिरकत ने जो है मोदी के होश उड़ा दिए हैं। मोदी जो हर वक्त पाकिस्तान पर जो है पाकिस्तान को धमकियाँ देता था, पाकिस्तान के बारे में ये कहता था कि हम पाकिस्तान को सबक वो सिखा देंगे, लेकिन दुनिया जो है मकाफात अमल है, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में जो है दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ कराई, अपने एजेंट भेजे, अपने जासूस भेजे, कराची में जो है MQM की सूरत में उनको हेल्प की गई, फिर जो है हमारी कौम परस्त पार्टियाँ, चाहे वो सिंधी कौम परस्त पार्टियाँ हों चाहे वो बलूचिस्तान की हों, उनकी हेल्प की गई, उनको पैसा वो दिया गया। फिर जो है नाम निहाद जो पाकिस्तान में जो तालिबान थे दहशतगर्द थे उनकी हेल्प की गई, उनको पैसा दिया गया, उनको सहूलतें दी गई, उनको असलाह दिया गया कि पाकिस्तान के अंदर जो है आप दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करें। तो इन लोगों ने, इन दहशतगर्दों ने जो है हिंदुस्तानी जो उनके आका यानी वो बना हुआ था उस वक्त, उनके कहने पर शहर कराची में, बलूचिस्तान में, हमारे फाटा में, पाकिस्तान के शहरों में इन्होंने जो है दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की, और इस वक्त जो है 7 रियासतों में जो है हिंदुस्तान के अंदर जो है ये तहरीक आज़ादी की चल रही है। और जैसे ही चाइना ने जो है लद्दाख पर जो है इलाके में 60 स्क्वायर किलोमीटर अंदर दाखिल होकर चाइना ने जो है वो कब्ज़ा कर लिया है इलाकों पर, और इतलात ये हैं कि भाई चाइना जो है कारगिल और जो है पूरे लद्दाख पर जो है कब्ज़ा वो करने जा रहा है, और सक्काम और ये इधर अरुणाचल वो प्रदेश जो उनकी रियासत है, और उसमें जो है सक्काम है, और ये जो तिब्बत के इलाके हैं ये सब जो है इन पर चाइना जो अपना वो कंट्रोल या वो जो है उनकी सप्लाई लाइन जो है हिंदुस्तान की वो काटने जा रहा है। तो सूरत हाल इस वक्त ये है कि भाई पूरी दुनिया में जो है सिख इस वक्त मौजूद हैं, कनाडा में, अमेरिका में, तो बरतानिया में, और जो सिख रहनुमा हैं उन्होंने ये ऐलान किया था कि भाई हम 6 जून को जो है हम अपना जो है ऐलान वो करेंगे, अपनी रियासत का ऐलान करेंगे, हम जो है अपनी वो करेंसी का ऐलान करेंगे, और अपने खालिस्तान का जो उनका वो झंडा है उसका भी जो है हम ऐलान वो करेंगे। तो 6 जून 1984 की याद में जो है उनके जो उनको कत्ल किया गया था दरबार साहब में जो एक ऑपरेशन किया गया था, तो उनकी याद में उन्होंने 6 जून को जो है अपनी आज़ादी का और अपनी तहरीक का और अपने जो उन्होंने जो ये ऐलान किया है, इससे जो है मोदी को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स दिए गई हैं, और इन रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि भाई ये जो पंजाब है, ये जो इसमें तहरीक है, इसमें जो लोगों के एहसासात हैं वो आज़ादी के हैं और वो आज़ादी चाहते हैं। तो इस सूरत हाल में जो है मोदी को जो इतलात दी गई थी, और मोदी उन इतलात की
बिना पर वो परेशान हुआ है और उसके होश उड़ गए हैं। तो ये है कि अब उन्होंने इसका मुकाबला ये किया है कि भी जो आरएसएस के गुंडे हैं वो उनको लेकर आ रहे हैं, वो ताकि जो सिख नौजवान हैं, जो सिख रहनुमा हैं, जो खालिस्तान के रहनुमा हैं, जो आज़ादी का ऐलान वो करने वाले हैं, और जो कि उन्होंने अपना झंडा भी वो बना लिया है, उन्होंने जो है अपनी वो करेंसी का भी उन्होंने ऐलान करना है और अपनी तहरीक का भी ऐलान वो करना है। तो इसके मुकाबले में इसको काउंटर वो करने के लिए मोदी ने जो है आरएसएस को जो है वो लेकर आ रहा है वो सामने। और सूरत हाल ये है कि अब वो चाहता है कि भी इसमें जो है आरएसएस के जो गुंडे हैं, जो बीजेपी के जो लोग हैं, वो जो है खालिस्तान की जो तहरीक के रूए रवां हैं या अवाम है, उनका जो है मुकाबला वो करें। तो इस वक्त सूरत हाल इतनी यानी गंभीर हो चुकी है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान को अपनी आज़ादी बरकरार रखने के नाले वो पड़े हुए हैं। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो कि इंडिया के पंजाब में जो है इस वक्त जो उन्होंने एहतजाज किए हैं तीन वो शहरों में, उसकी मैं वीडियो आपको दिखाता हूं, आप उसको वो देखें और जो है आप भी इस पर राय कायम करें और अपने राय का इजहार कमेंट्स की वो सूरत में करें। आपको मेरा चैनल जो है वो पसंद आया है तो उसको आप सब्सक्राइब करें और जो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आप वीडियो जो है मैं आपको सुनाना वो चाह रहा हूँ, आप वो देखें कि भैया ना वो कैसा एहतजाज हो रहा है।